हिमाचल प्रदेश में नई सीवरेज टेक्नोलॉजी लाई जाएगी। कंसिटिव वेस्टलैंड टेक्नोलॉजी के तहत बायोटेक्निकल पौधे प्रदूषण को समाप्त कर फूलों की महक छोड़ेंगे। ये ऐसे पौधे हैं जो प्रदूषण को सोखते हैं, लेकिन जिस स्थान पर लगाए जाते हैं इसे पार्क की तरह सुंदर और लाल पीले फूलों से भव्य बना देते हैं। प्राकृतिक टेक्नोलॉजी को कोई भी संस्थान, बस्ती या घर जहां सीवरेज लाइनें आसानी से नहीं पहुंच पाती हैं, वहां प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके रखरखाव के लिए किसी एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं रहती, ना ही अधिक खर्च करना पड़ता है। यूरोपियन यूनियन देशों व भारत के जयपुर में सफलता के बाद इसे हिमाचल में लंबे शोध के बाद लागू करने की तैयारी की जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसके लिए धर्मशाला को चुना गया है। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए हिमाचल में नई तकनीक पर काम कर रहा है। कंस्ट्रक्टिव वेस्टलैंड टेक्नोलॉजी फॉर सीवरेज ट्रीटमेंट के तहत बॉटनिकल प्लांट केना इंडिका सहित अन्य वैरायटी के फूलदार पौधे सीवरेज प्रदूषण को समाप्त करेंगे। इसके लिए किसी तरह की बिजली या अन्य उपकरणों की आवश्यकता नहीं है। मात्र एक नाली से सीवरेज को ले जाकर उसकी ऊपरी स्तर पर ये पौधे लगाए जाएंगे। ये पौधे 3-4 माह में तैयार हो जाते हैं और अपनी जड़ों से प्रदूषण को सोखने का काम शुरू कर देते हैं। इससे खड्डों सहित निचले वाटर सोर्सेज में सुधार होता है। अपनी तरह के अलग इन बॉटनिकल पौधों में पैथोजन बैक्टीरिया को समाप्त करने की अधिक शक्ति होती है। इसके लिए कुछ भूभाग की भले ही आवश्यकता होती है, लेकिन जहां ये पौधे लगाए जाते हैं उस स्थान को पार्क के रूप में विकसित किया जा सकता है। फूलदार पौधों के लिए मैदानी एरिया की ही आवश्यकता नहीं रहती, इन्हें टेढ़े मेढ़े व पहाड़ीदार क्षेत्रों में भी लगाया जा सकता है। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अधिशासी अभियंता राजेश मोंगरा का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी सस्ती एवं टिकाऊ है। इससे बैक्टीरिया को रिमूव करने के साथ साथ खड्डों आदि के पानी की गंदगी से भी बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में पायलट प्रोजेक्ट के तहत जल्द ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। जो ये टेक्निक है, इसको बेसिकली हम बोलते हैं रूट जोन ट्रीटमेंट फैसिलिटी। जो सीवरेज से पानी निकलेगा उससे हम कुछ कैचमेंट में जो पौधे वगैरह जैसे फ्लावर्स वगैरह हैं, कुछ स्पीसीज इसमें डिफाइंड है जो रिसर्च के बेसिस पे कि भी 10-15 स्पीसीज जो है वो आएगी उसमें, उसी को ही हम वहां पे लगाएंगे और उनको ग्रो करेंगे हम। तो वो है टेक्निक रिमोट रूट जोन ट्रीटमेंट फैसिलिटी। इसको हमारे जो माननीय जो यहाँ पे मंत्री जी हैं सुधीर शर्मा जी, उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे कि मैं हमने 3.5 करोड़ का एक डाला हुआ, आप उसके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट कीजिए। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया लोकेशन अपनी बासू वगैरह में, और एक लोकेशन हमारी नड्डी में है और ऐसे एक दो लोकेशन और हैं जिनमें कि हमने एक प्रोजेक्ट से 3.5 करोड़ का हमने तैयार किया, जिससे कि हमारे को जो विदाउट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, जिसमें मिनिमम या जीरो ही बोल लो आप ऑपरेशन मेंटेनेंस करेगी, और जो एनर्जी जो है वो जीरो ही आपकी वहां पे एनर्जी कंजप्शन होगी, और इसके बेस्ट रिजल्ट जो है हमारे को आएंगे। और यदि यहां पे यदि ये सक्सेसफुल हो जाता है हमारा यहाँ पे हिमाचल में ये प्रोजेक्ट, वैसे तो ये सक्सेस रेट इसकी पूरी 100% है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, और जगह भी हुआ है। यहाँ पे हमारा हो गया तो एक मॉडल होगा हमारी अपनी स्टेट के लिए, आईपीएच डिपार्टमेंट के लिए, जो कि उससे बाकी के एरियाज में भी हम सीवरेज का जो ट्रीटेड वाटर है उसको यूज कर पाएंगे हम, और वहां पे भी हमें प्रोजेक्ट को यूज करेंगे, और मिनिमम हमारा जो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इम्प्रूव आएगा।